हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो पिछले क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि आदर्श विलयन क्या है और अनादर्श विलयन क्या है। आज हम सबका टॉपिक है कि अनादर्श विलयन के गुण या विशेषता। तो जानते हैं अनादर्श विलयन के गुण या विशेषता क्या है। नेक्स्ट है आपका कि अनादर्श विलयन की गुण या विशेषता निम्नलिखित है। नेक्स्ट है कि अनादर्श विलयन जो होता है वह योग नियम का पालन नहीं करता है। और सेकेंड है आपका कि अनादर्श विलयन में जो आयतन परिवर्तन का मान होता है वह शून्य के बराबर नहीं होता है। जैसे कि देखिए, अर्थात यहाँ पे अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, डेल बी मिक्सिंग इज नो इक्वल जीरो। फिर आपका नेक्स्ट है कि अनादर्श विलयन में जो ऊष्मा परिवर्तन का मान होता है वह शून्य के बराबर नहीं होता है, अर्थात डेल एच मिक्सिंग इज नो इक्वल जीरो। यहाँ देखिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। और भी विशेषता है जो आपको नोट्स में दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर। तो आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में निम्नलिखित अंतर है। पहला है आपका कि जो आदर्श विलयन होता है वह सभी ताप एवं संधारणों पर रावल के नियम का पालन करता है, जबकि जो अनादर्श विलयन होता है वह सभी ताप एवं संधारणों पर रावल के नियम का पालन नहीं करता है। और यहाँ देखिए, फिर है जो नेक्स्ट है, आदर्श विलयन जो होता है वह उसमें ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य के बराबर होता है, जबकि अनादर्श विलयन में ऊष्मा परिवर्तन का मान शून्य के बराबर नहीं होता है। फिर इसी प्रकार से आपका कि जो आदर्श विलयन होता है उसमें आयतन परिवर्तन का मान शून्य के बराबर होता है, और अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन का मान शून्य के बराबर नहीं होता है। नेक्स्ट है कि आदर्श विलयन आपका योग नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन योग नियम का पालन नहीं करता है। तो आगे इतनी बात समझ में। देखिए, सभी ताप एवं संधारणों पर रावल के नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन नहीं करता है। इसमें डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल जीरो होता है और इसमें जीरो नहीं होता है। इसमें डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल जीरो होता है और इसमें जीरो नहीं होता है। ये आदर्श विलयन योग नियम का पालन करता है, जबकि अनादर्श विलयन योग नियम का पालन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विचलन तथा विचलन के प्रकार। तो विचलन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। विचलन आपका है कि सभी विलयनों में रावल के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब या कम वाष्प दाब प्रदर्शित करता है उसी को विचलन कहते हैं। चलिए विचलन जान गए कि विचलन क्या है। सभी विलयनों में रावल के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक या कम वाष्प दाब प्रदर्शित करता है उसी को विचलन कहते हैं। विचलन आपका दो प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक विचलन और दूसरा है ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। जब किसी विलयन में रावल के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से अधिक वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है उसे धनात्मक विचलन कहते हैं। और ऋणात्मक विचलन है कि जब किसी विलयन में रावल के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब से कम वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इसमें क्या है कि जो रावल के नियम द्वारा अनुमानित वाष्प दाब होता है उससे अधिक वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है धनात्मक विचलन का ग्राफीय निरूपण। तो धनात्मक विचलन का ग्राफीय निरूपण इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह विलय ए के लिए, यह विलय ए के वास्तव के लिए है और यह विलय बी के वास विलायक बी के वास्तव के लिए है। ये लाइन आपका विलायक बी के वास्तव के लिए और ये विलय ए के वास्तव के लिए, और ये जो आपका लाइन है ये दोनों जब मिल रहे हैं, दोनों मिलकर दबाव डालता है तो उसके लिए ये लाइन है। देखिए यहाँ पे आपका जो वास्तव है वो मिल गया है, विलय और विलायक मिलकर एक वास्तव बनाया है, और ये देखिए ये विलय ए के लिए और विलायक बी के लिए है, ये मूल अंश है। यहाँ पे विलायक बी के लिए एक है और विलय ए के लिए जीरो, यहाँ भी वैसे ही है लेकिन यहाँ देखिए विलायक बी के लिए जीरो है और यहाँ विलय ए के लिए वन है। ये आपका जो भी है ये धनात्मक विचरण को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये है ऋणात्मक विचलन का ग्राफीय निरूपण, ये भी इस प्रकार से है। इसमें देखिए इसमें भी दोनों मिलकर दबाव डाल रहा है और ये विलायक बी के लिए, ये विलायक ए के लिए है, यह विलायक ए के वास्तव के लिए और ये विलायक बी के वास्तव, ये जो भी ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहे हैं। विचलन के आधार पर विलयन का प्रकार, तो विचलन के आधार पर विलयन आपका दो प्रकार का होता है, पहला है धनात्मक विचलन वाला विलयन और दूसरा है आपका ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। लेकिन तो ये जानिए कि धनात्मक विचलन वाला विलयन कहते किसे है, कि किसी विलयन में अणुओं की संख्या का आकर्षण विलायक के अणुओं की संख्या के आकर्षण से कम होती है, जिसके कारण विलायक के अणु विलयन से तेजी से बाहर निकल जाता है और उसमें वास्तव अधिक हो जाता है और क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे जो विलयन बनता है उसी को धनात्मक विचलन वाला विलयन, और इसमें रावल के नियम द्वारा जो अनुमानित वास्तव होता है वह अधिक हो जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण। इसमें आपका एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण है, तो जो एथेनॉल है वो आपका विलायक है और साइक्लोहेक्सेन आपका विलय है। साइक्लोहेक्सेन ये विलय है और ये एथेनॉल जो है आपका विलायक है। तो इसमें है कि व्याख्या, और व्याख्या क्या कर रहा है कि जब एथेनॉल में साइक्लोहेक्सेन को मिलाते हैं तो एथेनॉल का हाइड्रोजन बंधन टूट जाता है और टूटने के बाद एथेनॉल के अणु तेजी से विलयन से बाहर निकल जाता है, तो जिसके कारण क्वथनांक कम हो जाता है और वास्तव अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है वह धनात्मक विचलन वाला विलयन को प्रदर्शित करता है। तो आगे समझ में, धनात्मक विचलन वाला विलयन किसे कहते हैं, कि जब विलयन के अणुओं के बीच का आकर्षण विलायक के अणुओं के बीच के आकर्षण से कम हो जाता है तो विलायक के अणु तेजी से विलयन से बाहर निकल जाता है, जिसके कारण क्वथनांक कम हो जाता है और वास्तव अधिक हो जाता है। तो जो रावल के नियम द्वारा अनुमानित वास्तव होता है वह अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार के जो विलयन बनता है उसे धनात्मक विचलन वाला विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है ऋणात्मक विचलन वाला विलयन। तो ऋणात्मक विचलन वाला विलयन क्या है, इसमें जो एफ ए बी होता है वह ए बी वी से बड़ा होता है और इसमें बी के जो अणु होते हैं विलयन में से उतनी तेजी से बाहर नहीं निकलते हैं, तो बाहर नहीं निकलते हैं जिसके कारण विलयन का वास्तव, वास्तव क्या होता है, रावल के नियम द्वारा अनुमानित वास्तव से कम हो जाता है और इसमें क्वथनांक अधिक हो जाता है। वास्तव कम हो जाता है और क्वथनांक आपका अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार के विलयन ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, जैसे हो गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि इस मिश्रण में एसीटोन के अणु एच बंधन द्वारा जुड़ जाता है। इसमें जो है एसीटोन के अणु जो होता है हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ जाता है और उसमें क्या था, एथेनॉल के अणु हाइड्रोजन बंधन द्वारा टूट जाता था और इसमें जुड़ जाता है।
जुड़ने के बाद क्या होता है कि जिससे क्लोरोफॉर्म के अणुओं को बाहर निकलने की प्रकृति क्या होती है, घट जाती है। क्लोरोफॉर्म के जो अणु होते हैं उसे बाहर निकलने की प्रकृति घट जाती है और क्वथनांक बढ़ जाता है। वहां पे था कि क्वथनांक कम हो जाता था और यहाँ क्वथनांक बढ़ जा रहा है, जिससे वाष्प में कमी हो जाती है। यह मिश्रण ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, जस्ट लाइक उल्टा है कि देखिए धनात्मक विचलन में क्या होता था कि उसमें वाष्प अधिक हो जाता था और क्वथनांक कम हो जाता था, उसमें एथेनॉल का हाइड्रोजन बंधन टूट जाता था। लेकिन वही देखिए ऋणात्मक विचलन में कि इसमें ऋणात्मक विचलन में हाइड्रोजन बंधन जुड़ जाता है और क्वथनांक अधिक हो जाता है, वाष्प कम हो जाता है। तो इस प्रकार के विचलन ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऋणात्मक विचलन वाला। हाँ, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन जो होता है उष्मा क्षेपी होता है। और क्यों उष्मा क्षेपी होता है, क्योंकि उसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए वह उष्मा क्षेपी होता है। और ऋणात्मक विचलन वाला विलयन में जो आयतन होता है वह घट जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।